going to start economics chapter 2 people as resources. Previous video we covered up to previous video में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें explain करी थी. First मैंने आपको बताया था overview के बारे में. Second topic था मेरा, second topic किया था economics activities men and women. इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ मैन एंड वुमेन में मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में बताया था. मुझे लगता है कि प्रीवियस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे आपको समझ में आ गए. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द दीज टॉपिक्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या की क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाई द पीपल ऑफ द कंट्री. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेट. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लिटरेसी रेट पर डिपेंड करती है. किस पर डिपेंड करती है? जो हमारी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी होती है वो हमारी लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता पर डिपेंड करती है. और ये हेल्थ ऑफ अ पर्सन जो लाइफ एक्सपेक्टिंग से और स्किल फॉर्मेशन जो लोगों में एक्वायर की है उस पर डिपेंड होती है. लोग के अंदर कितनी स्किल है, कितनी उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस पर भी डिपेंड करती है. अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इस कंट्री की ग्रोथ रेट. जो हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वो और किस पर डिपेंड करती है? हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट होती है वो डिसाइड होती है. लिटरेट और हेल्थी पॉपुलेशन कंट्री के लिए एसेट. अगर हमारा लिटरेसी अच्छी होगी और हेल्थ पॉपुलेशन अच्छा होगा किसी भी कंट्री के लिए तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक वरदान की तरह होती है. तो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जब जरूरी होती है. सबसे पहले लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए, लिटरेसी रेट पर डिपेंड करती है. दूसरा स्किल फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए एंड हेल्दी पॉपुलेशन होना भी बहुत जरूरी है. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशन. एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है. तो एजुकेशन क्या होती है? शिक्षा. एजुकेशन के बारे में बताऊँगी कि देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस रिलेशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय ओपन किए गए हैं. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स. द प्लेन आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹151 crore इन द फर्स्ट प्लान टू ₹37669 crore इन द 11th प्लान. हमारा जो फर्स्ट प्लान था उसमें 151 crore रुपये एजुकेशन के लिए इंक्रीज किया गया था, जबकि 11th प्लान में 37669 crore रुपये इंक्रीज हुआ. एजुकेशन में एक्सपेंडिचर जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो क्या है? 0.64% जो 1951 में था या 2015 में 30% हो गया. इंडिया में लिटरेसी रेट 1951 में 18% से बढ़कर 2010 में 74% हो गया. लिटरेसी सिर्फ एक डिपेंड लिटरेसी पर सिर्फ एक डिपेंड होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें और अपने राइट्स का एंजॉय कर सकें. हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मेक्स लिटरेसी
कंपैरिजन करें तो लिटरेसी फीमेल के कंपैरिजन में 16.6% अधिक है। लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज़्यादा है 94%। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है तो हम आंसर्स क्या दे सकते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट और बिहार में 62% है। कंडी में करीब 8.41 लाख प्राइमरी स्कूल है, लेकिन हमारे स्कूलिंग की पुअर क्वालिटी और हाई डेट जो है के कारण एजुकेशन डाइल्यूट होती रहती है। शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक क्या होता है, टाइम बाउंड इनिशिएटिव होता है। मिड डे मील स्कीम, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों में हमने देखा है कि मिड डे मील स्कीम होती है। मिड डे मील स्कीम हैज़ इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिट्रीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन। स्टेट्स 12th प्लान में कंट्री का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 25% लाने का मोटिव रखा गया, जो 2017-18 तक अचीव करना था। इसे 2020-21 तक 30% अचीव हुआ, वर्ल्ड एवरेज के जो बराबर में था। बिसाइड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन आईटी एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। आजकल क्या है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन भी स्टार्ट है, आईटी एजुकेशन भी फोकस किया गया, जिससे हमारे कंट्री का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ओवर द पोस्ट 50 इयर्स देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ, इस ग्राफ में क्या दिया गया है, ग्राफ नंबर 2.1 लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट्स क्या है, 1951 में लिटरेसी रेट दिखाई गई है, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। और यहाँ पर जो इंडिकेशन दिया गया तो ब्लू कलर से क्या है, पर्सन के बारे में, रेड कलर मेल एंड ग्रीन कलर फीमेल के बारे में ये पूरा दिखाया गया है कि हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट 2017-18 तक क्या थी उसके बारे में बताया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी होती है। तो आपको एक ग्राफ, आप अपने जब पेज नंबर बुक का पेज नंबर 21 ओपन करेंगे तो आपको ये ग्राफ दिखाई देगा। इसी तरह से एक ये टेबल भी यहाँ शो की गई है, इस टेबल में बताया गया है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी, तो कहाँ पर कौन से, जैसे 1950 से 51 के बीच 750 कॉलेज थे। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, 30 हैं, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 26300, और टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में कितना है, वो है 24000। इसी तरह से ये जो पूरा टेबल दिखाई गई है, इस टेबल में 1950-51 से लेके 2018-19 तक ये टेबल इंडिकेट की गई है, और इस टेबल में दिखाया गया है कि 2018-19 में नंबर ऑफ कॉलेज नहीं है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 9-11 है, स्टूडेंट्स नहीं है और टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में नहीं है। इसी तरह से मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो आपको मैंने आपको टेबल दिखाया और फर्स्ट मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था। अब मैं नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ मीन्स क्या होता है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ क्या है। फर्म्स और कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए क्या क्या करती हैं, फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट
not work efficiently as healthy workers because of ill health. The health is health of a person helps him to realize his own potential and the ability to fight illness. He she will not be able to maximize his her output to the overall growth of organization. Indeed, health is an indispensable basis of realizing one's well-being. Therefore, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services with a special focus population. Over the last 5 decades, India has built a vast healthy infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as the primary sector. The measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 66.3 years in 2014. Infant mortality rate has become down from 147 in 1951 to 34 in 2016. Cured birth rates have dropped to 24.4, death rate to 6.4 within the same duration of time. Increase in the life expectancy and improvement in the child care are useful in assisting the future progress of the country. Increase of the life is indicator of good quality of the life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child and children. Firms or जो जितने भी companies अपने profit को maximize करती क्या करती हैं maximize करती हैं. Do you think any firm would be indeed to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? किसी person की health से वह realize कर सकता है कि वह किसी illness से कितना fight कर सकता है. इसलिए health start को improvement करना country की priority होती है. हमारी national पॉलिसी में हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर ऑफ न्यूट्रिशियल सर्विसेज होती हैं. इसमें जितने भी वीक सेक्शन होते हैं उनके स्पेशल फोकस की ज़रूरत होती है. ओवर पास 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट. हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में हेल्थ पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, जिससे कि हर व्यक्ति जो है उसको अच्छी हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो मिल पाए एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर. आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हर जगह हेल्थ केयर सेंटर्स बना रखे हैं. जितने भी वीक ग्रुप्स हैं उन सब के लिए उन्होंने हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रखी हैं और फ्री में हेल्थ सर्विस स्टार्ट किया. गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की है हेल्थ के लिए. देयर आर 381 मेडिकल कॉलेज इन कंट्री. हमारी जो कंट्री है उसमें कितने 381 मेडिकल कॉलेज हैं एंड 301 डेंटल कॉलेज हैं, उतने डेंटल कॉलेज हैं. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में नंबर ऑफ कॉलेज जो है वो बहुत अधिक है. तो इस तरह से मैंने आपको 3 topics एक्सप्लेन किए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ. तो मुझे लगता है कि आपको 3 topics पूरे से समझ में आ गए. और नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नेक्स्ट
टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। और आप लोग ये पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा, समझिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको सेंड करूंगी और उन आंसर्स को आप एक्सप्लेन करके भेजूंगी। थैंक यू।